आसाम विधानसभा को छोड़ के लोकसभा राज्यसभा कहीं में ऐसे प्रावधान नहीं थे। तो हमारे हिंदू मुसलमान दोनों विधायकों ने रूल कमेटी में बैठा और ये निर्णय लिया कि हमें जुमा का ब्रेक नहीं चाहिए, हम उसका जगह में काम करो। ये निर्णय सीएम का नहीं है, ये निर्णय हमारा आसाम विधानसभा में हिंदू मुसलमान दोनों पक्ष का विधायक बैठ के ये निर्णय लिया। तो उसका तो कोई क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता है। और काल विधानसभा में भी जब ये निर्णय हमारे स्पीकर साहब ने घोषणा किया, कोई भी एक मुसलमान विधायक खड़ा होकर उनका अगेंस्ट नहीं किया और हमारे 25 मुसलमान विधायक 126 में किसी ने खड़ा नहीं हुआ। तो ये लोगों का काम के लिए प्रतिबद्धता है, देश का विकास के लिए प्रतिबद्धता है। तो इसका क्रिटिसिज्म आसाम में नहीं हो रहा है, बाहर में हो रहा है। इसका मतलब क्या है? पहले तो आप सोचिए क्या परिप्रेक्ष्य में ये हुआ है। और हमारा आसाम में हम बहुत ही सेकुलर तरीका से आगे बढ़ रहा हूँ। हिंदू मुसलमान सारा विधायक ने मीटिंग में बैठा, स्पीकर साहब को अधिकृत किया, फिर स्पीकर साहब ने विधानसभा में ये बोले कि भाई आज से हम ये नहीं करूंगा। इसमें कॉलोनियल लीगेसी था 1937 का, ऐसा व्यवस्था झारखंड में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। तेजस्वी यादव जी मुझको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या ऐसा व्यवस्था है? आप करवा लीजिए साल घंटा का ब्रेक, लेकिन आप इस्लाम का जो बहुत ही हम भी सम्मान करता नबी हजरत मोहम्मद जी ने क्या बोलते थे कि मिठाई छोड़ने का दूसरों को उपदेश देने का पहले आप खुद मिठाई छोड़ दो। तो जब तेजस्वी यादव जी बिहार में उप मुख्यमंत्री था, उनको जोबा में 4 घंटा का दे देना चाहिए। भाई आप फॉलो नहीं करेगा और आपको लगता है कि आप हमें परामर्श देगा, ऐसे तो दुनिया नहीं सकते। तो इसीलिए जो लोग मुझको हिदायत दे रहा है, मैं उनको निवेदन करूंगा अपना अपना स्टेट में 4-4 घंटा का जुम्मा ब्रेक दे दीजिए, तब मैं आसाम में 2 घंटा वाला लेके आऊंगा। आसाम विधानसभा को छोड़ के लोकसभा राज्यसभा कहीं में ऐसे प्रावधान नहीं। तो हमारे हिंदू मुसलमान दोनों विधायकों ने रूल कमेटी में बैठा और ये निर्णय लिया कि हमें जुमा का ब्रेक नहीं चाहिए, हम उसका जगह में काम करो। ये निर्णय सीएम का नहीं है, ये निर्णय हमारा आसाम विधानसभा में हिंदू मुसलमान दोनों पक्ष का विधायक बैठ के ये निर्णय लिया।